सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पिछले ब्लॉग में कि भाई की बारात का दिन है, आज बारात जा रही थी। तो ये देखो भाई तो बढ़िया दूल्हे राजा बन के गाड़ी में बैठ रहे हैं। मैं रेडी नहीं हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद रेडी होके आ गई। और ये देखो मेरी तरह मेरी गाड़ी भी, मतलब कि दूल्हे राजा की गाड़ी भी चमक रही है। और ये बताना कमेंट में कि मेरा लहंगा कैसा लगा आपको। तो और भाभी भी देखो पीछे रेडी होके आ गई हैं। चाची बुआ वगैरह बची थी वो गाड़ी से आ जाएंगी, दूसरी गाड़ी से। और बाकी सब लोग मेहमान पूरे ना मिनी बस से चले गए हैं पहले ही, तो हम लोग भी बस निकलते हैं। और ये देखिए हमारा घर भी हमारी तरह चक 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 चमक रहा है चकमगा रहा है जगमगा रहा है और चलिए तो अब चलते हैं। और सब लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग निकले, दूल्हा निकले, फिर हम लोग भी निकलें। तो ये देखिए दूल्हे की गाड़ी कितनी अच्छी डेकोरेट की है। और ये मंदिर में हम लोग निकलते समय मंदिर में दर्शन करते हुए गए, जैसे जाता है दूल्हा एक बार। तो और ये देखिए हम लोग निकल पड़े हैं। रास्ता छोटू को ही पता था, हमारे पति देव ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो बस थोड़ी दूर था गार्डन, ज़्यादा दूर नहीं था। बस गार्डन नहीं, पहले बारात लगी हुई थी तो हम लोगों को बग्गी तक पहुँचना था। और ये देखिए जाम बहुत था तो बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाली। इसके बाद फाइनली दूल्हे राजा को हमने पहुँचा ही दिया बग्गी तक। और फिर देखिए दूल्हे राजा चमकती हुई बग्गी में बैठ रहे हैं। बग्गी कितनी सुंदर लग रही है, क्या बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ बग्गी बोलते हैं इसको, मतलब ये रथ घोड़ा गाड़ी जो होती है दूल्हे की, तो हमारे यहाँ बग्गी बोलती हैं। और ये निशी मैडम भी बैठ ली है मामा के साथ, कोई छोटा बच्चा तो था नहीं अभी। बहन का वो गुड़िया बैठती नहीं, वो ना मम्मी के बिना नहीं बैठती, तो निशी ही बैठ ली। और ये इसकी बिंदी जो होता है तिलक, वो थोड़ा सही कर रही होगी निशी। और हम लोग इतनी ही देर में पसीना पसीना हो गया क्योंकि गर्मी बहुत थी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मतलब बारात कितनी सुंदर सजी है पूरी, मतलब डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। लाइटिंग बहुत अच्छी, और दूल्हे राजा खुशी जताते हुए बहुत खुश हैं दूल्हे राजा, और थोड़े से नर्वस भी लग रहे हैं। मैंने बोला थोड़ी स्माइल कर। तो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले आ गए थे, फिर सब लोग आ गए, कोई गाड़ी से आ रहा था, कोई मिनी बस से आ रहा था, तो सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर। बारात लगनी थी यहाँ से, तो बस अब बारात लगेगी, बारात शुरू हो गई हम लोगों की। अभी तक हम लोग बस सबका इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पहले पहुँच गए थे हम लोग जाम के बाद भी।
सागर एंड शंकर
सो दोस्तों फाइनली बारात पहुंच गई है अपनी मंजिल तक। तो हम लोग आ गए हैं शादी घर, तो हम सभी बस दूल्हे को छोड़ के कि अब तुम जानो क्या करना है दूल्हे का। तो दूल्हे का जो मतलब कि स्वागत करते हैं वो उन्होंने किया लड़की वालों ने। हम लोग निकल दिए थे अंदर की तरफ। तो ये है चाचा, हमारे रेलवे में ड्राइवर हैं भुसावल में, महाराष्ट्र में। तो ये रेलवे वालों का ये घर है शादी घर। तो ये देखिए ये स्वागत के लिए इंतज़ाम कर रखे थे। और ये है गार्डन, ये गार्डन देखिए बहुत सुंदर है। ये रेलवे का गार्डन है जो शादी के लिए मतलब रेलवे वालों के लिए रहता है।
तो ये देखिए वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, तो स्क्रीन पे ये चल रही थी पिक्स कुछ जो ली होंगी दिन में टीका प्रदान के टाइम। और ये हम सब लोग बैठे थे यहाँ, सब कुछ चेयर पर बैठे थे। और पीछे देखिए आप, पीछे स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। थक गए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, और डांस कर करके सबकी हालत खराब हो गई थी। और ये भाभी के भैया देखिए गाना गा रहे हैं।